नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज ही की तरह आज भी एक नई योजना के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए जो योजना लेके आया हूँ वो है ट्रांसफर वाउचर योजना। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत जो स्कूल में बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके लिए कुछ सहायता दी जाती है, जिसके उसका आना जाना ट्रांसफर यातायात आसान हो सके और उसको आने जाने के लिए कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। अब ट्रांसफर वाउचर योजना जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, राजस्थान सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था, कि जो भी वो 6 से 5 तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आने जाने के लिए जो पैसे होते हैं, जो भाड़ा होता है यातायात का, वो उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। और इसी योजना को प्रारंभ करने की वजह से समीकरण का जो नियम था, स्कूलों को जो सम्मिलित कर लेते थे, वो भी बंद कर दिया गया। तो इसीलिए ट्रांसफर वाउचर योजना की स्थापना की गई। यही इसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा स्कूल ना छोड़े 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में। अब इस योजना के लिए कौन कौन से बच्चे पात्र हैं? तो दोस्तों, इस योजना के लिए राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे लड़के 1 से 8 तक के सभी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उसकी घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर तो प्राथमिक विद्यालयों के निर्धारित हैं, और अगर वो उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 तक के स्कूलों के लिए घर से दूरी 2 किलोमीटर हैं, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते। इसके अतिरिक्त गांव ढाणियों में रहने वाले सभी बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं, कोई भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें कितने पैसे मिलेंगे। अगर बच्चा प्राथमिक 5वीं तक के स्कूल का छात्र है और घर से दूरी 1 किलोमीटर है, तो उसको 10 रुपये प्रतिदिन आने जाने के दिए जाएंगे। प्रति उपस्थिति, जिस दिन वो विद्यालय में उपस्थित हुआ है उसी दिन के पैसे उसको दिए जाएंगे। अगर वो विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ तो उस दिन के पैसे उसको नहीं दिए जाएंगे। ये का ये है, अगर वो 6वीं से 8वीं तक हैं और घर से दूरी 2 किलोमीटर है, तो उसको 15 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति के दिए जाएंगे। 15 दिन, जिस दिन वो स्कूल पहुंचा उसके 15 रुपये उसको भाड़ा दिया जाएगा। अगर वो स्कूल नहीं पहुंचा तो उसको कोई भी भाड़ा दे नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है ट्रांसफर वाउचर योजना। दोस्तों, आपको ये योजना कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको योजना कैसी लगी, क्या पसंद आया और क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आप मैं जब भी नए कोई वीडियो अपलोड करूँ जो योजनाओं के बारे में, या मैं ई मित्र सर्विस या SSO सर्विस या कोई भी ऑनलाइन सर्विस के बारे में, तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल सके और आप इस वीडियो को देख के आप अपनी समस्या का समाधान कर पाए। तो दोस्तों, ये था ट्रांसफर वाउचर योजना का वीडियो, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया हो। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे ई मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।